100% आम आदमी पार्टी का मेयर जो है इस बार बनेगा और दिल्ली को चमकाया जाएगा। और खामियां रह गई आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें? वो हम समीक्षा करेंगे, वो हमारी बात की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारा मेयर बन जाएगा। देखिए अगले 5 साल अच्छे बीतेंगे, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, मुझे लगता है कि वहाँ पर बदलाव होगा। लोगों ने मेयर बनाना है, मेंबर्स ने मेयर बनाना है, 250 मेंबर्स ने तय करना मेयर कौन होगा और मेयर बीजेपी का ही होगा। मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा, अंत में जो जीता वही सिकंदर। और विजेंदर जी, मतलब सांस को आज क्या बताने की जरूरत नहीं है, जो बयान था वो मैंने सुना दिया। अब जरा फॉर्मूला बता दीजिए, मेयर बनाने का कौन सा फॉर्मूला दिल्ली में अख्तियार करेगी बीजेपी? मैं आपको एक मिनट, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो रनिंग आपने जो लोगों से अलग अलग बयान लिए हैं, ये पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है। किस कॉन्टेस्ट में क्या बात हो रही थी, किस तरह की बात कही गई है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब 10-15 दिन में जब भी हाउस बैठेगा, क्या फैसला होगा वो तो उस समय पता लगेगा। लेकिन आज की डेट में मैं इतना कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी 20 सीट लिखकर दे रही थी आपके चैनल पर, और ये 100 सीटें इनकी जो कम आई है, ये इनकी अपनी सबसे बड़ी हार है। और भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारे एग्जिट पोल, किसी भी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा था। कोई 60 सीट कहता था बीजेपी की, कोई 70 कहता था, कोई 80 कहता था। आज हमारे 100 से ज्यादा स्वीकार तो कर रहे हैं कम से कम कि हाँ हम उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए। बहुत बड़ा नंबर ऐसा है, रवि गुप्ता जी लाइव टीवी पे स्वीकार कर रहे हैं, आप तो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं, यही तो फर्क है। विजेंद्र जी 91 सीटें एक्सिस माई इंडिया और आज तक के चैनल में कही थी, 91 सीटें। अब 91 से आपकी 104 आई है, तो यह हम मान रहे हैं कि हम फेल हो गए, लेकिन आप इतना तो मान लीजिए आप मेजोरिटी मार्क्स से बहुत दूर हैं, तो फेल हो गए। आप इतनी दूर हैं फिर भी कह रहे हैं आप पास हो गए और मेयर बनाएंगे। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बताइए। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। केजरीवाल जी की पूरी कैबिनेट हार गई, केजरीवाल जी एनडीएमसी से लड़ते हैं, वहां पे एमपीडी का चुनाव नहीं हुआ, पर उनके मनीष सिसोदिया हार गए, उनके सत्येंद्र जैन हार गए, उनके कैलाश गहलोत, उनके जो टॉप मिनिस्टर गोपाल राय, ये चारों मंत्री हार गए, चार चार मंत्री हार गए, मंत्री के हार गए, सरकारी वही है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, और ये चारों लोग हार गए, असेंबली सीट हारे हैं। ये कहते हम जीत गए। जिसकी जिनकी कैबिनेट हार जाती है, जो पूरी तरह से जिनका 14% वोट, 12-13% वोट प्रतिशत कम हो जाता है, जो लिख के देते हैं 20 सीट आएंगी, वहां भारतीय जनता पार्टी की 100 से पार सीट आती है और इनकी 100 सीटें कम आती है।